उद्गम स्थल है। यहाँ पर हर चीज अनोखी होती है। इसी अनोखेपन में और भी ज्यादा रंग भरने के लिए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक नई व्यवस्था का सृजन किया है। यह व्यवस्था है, इसके साथ शुरू हुआ मंदाकिनी गंगा का आरती का काम लगातार जारी है और शाम को उसके बाद 7 से 8 लेजर लाइट वाटर शो का प्रारंभ भी कल यानी दशहरे के दिन से हो चुका है। अब पूरा 2 घंटे का पैकेज मंदाकिनी के किनारे का प्रशासन ने शुरू कर दिया है और हम आपको दिखाएंगे इसका फर्स्ट लुक, जो कि देखकर आप भाव विभोर हो जाएंगे और कह उठेंगे कि अब सामे अवध नहीं बल्कि दिव्यतम चित्रकूट की सुरमुनय संध्या। प्रतिबिंब गंगा तट पर एक वृक्ष को जल समर्पित है। एक दिन उस वृक्ष ने प्रसन्न होकर कहा, उस वृक्ष की छाओ में रोज राम कथा का पाठ होता है और एक अत्यंत वृद्ध पुरुष रोज राम कथा सुनाकर जाते हैं। वह और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। मैंने उस वृद्ध के पैर तब तक न छुए जब तक उन्होंने हनुमान का रूप धारण नहीं किया। वह बोले, क्या तुलसी चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर, वहां मंदाकिनी के पावन तट पर रामचरित मानस की रचना कर। चित्रकूट में मंदाकिनी के पावन तट पर स्थित अवधपुरी में राम नवमी के पावन दिवस पर रामचरित मानस का लेखन मैंने प्रारंभ किया। आप आज जहां विराजमान हैं, यहीं से प्रारंभ हुआ विश्व की सबसे प्रेरणादायक कथा का, जो सदियों के पश्चात आज भी उतनी ही प्रासंगिक एवं शिक्षा पर है। आइए श्री राम की इस अनूठी कथा के दर्शन एवं श्रवण का आनंद लें। जय श्री राम। बाल अध्याय। राम भगत भूषित जिए जानी, सुनि हरि सो जग सराहि सुबानी। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई ही सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। शिव को ब्रह्मा को मेरा नमन। वाल्मीकि जिन्होंने इस दिव्य गाथा को पृथ्वी पर उतारा, उनको मेरा शत शत नमन। राम के हर हक को मेरा नमन। सरयू के पवित्र तट को मेरा नमन। सरयू नदी ने अयोध्या राज्य को एक समृद्ध राज्य बनाया। सब कुछ तो था अयोध्या में, सिवाय राजकुमारों के अन्य किलकर। कई वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात गुरु वशिष्ठ की कृपा से अयोध्या के राजा दशरथ के घर में 4 दिव्य बालकों का जन्म हुआ। हाँ, लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न। उनकी प्यारी अकेली से पूरा राज्य झूम उठा। राम चंद्र बाजत जनिया चरत राम चंद्र। और लक्ष्मण ने गुरु विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा करते हुए दानवों का संहार किया।
श्रापित अहिल्या को मुक्त किया। वे चित्रकूट आते हैं, कितना मधुर दृश्य है, इतनी हम मिलेंगे हम तो स्वर्ग में भी नहीं मिलेंगे, इतनी शांति। श्री राम सीता और लक्ष्मण तृप्त थे अपने सरल एवं रमणीय जीवन से, किंतु वे उद्यानिया जैसे शोक का चोला उड़ लिया था। राजा दशरथ राम के वियोग में स्वर्ग से धार गए। भरत राम को मनाने चित्रकूट पहुंचे। भैया क्षमा कर दे भैया। नहीं भरत, तुम्हारी कोई त्रुटि नहीं है, तुम पिताजी की आज्ञा का पालन करो और अयोध्या लौट जाओ। भैया अगर आप नहीं लौटते हैं तो अपनी पादुका मुझे दीजिए, आपके लौटने तक यही सिंहासन की शोभा बढ़ाएगी। श्री राम की पादुका को अपने शीश पर रख कर भरत चित्रकूट से लौट चले। अयोध्या में उन्होंने सिंहासन पर श्री राम की पादुका रख कर अगले 14 वर्ष स्वयं नंदीग्राम में रहकर एक सन्यासी की भांति जीवन व्यतीत किया। अरण्य कांड श्री राम के वनवास का असली पेड़ है। कई जीवों का उद्धार मनुष्यों का जीवन सार्थक करेगा। उन्हें यह भी अभ्यास था कि यह वनवास एक महायुद्ध का उपक्रम है। ठीक है, दबा जोड़ ले, दबा जोड़ ले। ये तुम रोशन ले ना। सामने संभालने मोटा संभालने में आ जाएगी। श्री राम सीता जी को दिव्य वस्त्र एवं आभूषण प्रदान के दौरान अगस्त ने श्री राम को दिव्य अस्त्र भेंट किया। एक दिन रावण की बहन सुरसुमा पंचवटी आ पहुंची।